अरे वाह भाई वाह रसदीप, तुमने इस वनडे सीरीज के पहले ही मैच में कर दिया सब कुछ मलिया मेट और बिल्कुल जीता जितवाया मैच, चढ़ा दिया टाई की भेंट। क्या जरूरत थी धोनी बनने की जो छक्का लगा के मैच निपटाना चाहते थे। 14 गेंद पर सिर्फ एक रन चाहिए था, न कि एक गेंद पर 14। माना कि भाई खिलाड़ी के अंदर जोश जुनून होना जरूरी है, लेकिन समय और स्थिति को तो भांपना चाहिए। अगर तुम अकल से काम ले लेते, थोड़ा धैर्य दिखा देते, तो आज इंडिया इस 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से आगे होता। तुम्हारी एक भूल ने हमारी ताबड़तोड़ पारी पर तो पानी फेर ही दिया, साथ में इंडिया का जीता जितवाया मैच और टाई करवा दिया। अरे रोहित शर्मा भाई, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे मैंने ये मैच बुझ के हरवाया है। मैंने सोचा भाई दोनों ही टीमों का स्कोर बराबर हो चुका है, हारने का तो कोई डर ही नहीं, क्यों ना इस मैच को छक्के के साथ निपटा दें और कितना बल है रसदीप सिंह की भुजाओं में सबको दिखा दें। वो तो पता नहीं उस श्रीलंका की गेंद मुझे कैसे चकमा दे गई और मेरा विकेट ले गई। वरना छक्के लगाना रसदीप सिंह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने तो कई बार दो दो हाथ दिखाए हैं, लंबे लंबे छक्के लगाए हैं। फिर ऊपर से भाई आजकल सब बल्लेबाज भी तो गेंदबाज बने बैठे हैं, अगर इस रसदीप सिंह जैसे गेंदबाज ने बल्लेबाज बनने की कोशिश कर ली तो इसमें बुरा क्या हो गया। अरे रसदीप भाई बुरा ये हो गया, बिल्कुल जीता जितवाया मैच हाथ से निकल गया। अगर तुम अपने अंदर के बल्लेबाज बनने के कीड़े को थोड़ा शांत कर लेते, जैसे तैसे करके एक रन ले लेते, तो भाई सूर्या की तरह ये रोहित शर्मा भी अपनी सीरीज में जीत से शुरुआत करता। लेकिन रसदीप भाई, तुम्हारे हीरो बनने के चक्कर में इंडिया का बिल्कुल जीता जितवाया मैच हाथ से निकल गया। अगर तुम्हारे सर पे बल्लेबाजी का इतना ही भूत सवार था तो बता देते, अगले मैच में गिल की जगह पर तुमसे ओपनिंग करवा देते। लेकिन बैल बुद्धि, तुमने तो ऐसी गलती करके सब चौपट कर दिया। कम से कम ये तो सोच लेते हमारे 9 बल्लेबाज पहले ही आउट हो चुके हैं, आखिरी जोड़ी क्रीज पर है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो बात काबू नहीं आएगी। अरे रोहित शर्मा भाई, तुम लोग तो ऐसे सर पे चढ़े जा रहे हो जैसे हमने वर्ल्ड कप का फाइनल हरवा दिया। भाई ये तो एक श्रीलंका से ही मैच था जिसमें हम हारे नहीं, ये मैच तो टाई हुआ है। और रही बात भाई सोचने समझने की, बिल्कुल सोच समझ कर ही छक्का लगाने का फैसला लिया था। हमें भी पता था क्रीज पर आखिरी जोड़ी मौजूद है, दोनों टीमों का स्कोर बराबर है, हारने का कोई सवाल पैदा नहीं। आउट भी हो गया तो मैच होगा टाई, फिर होगा सुपर ओवर, और सुपर ओवर के खेल का तो सभी को पता है, इंडिया कभी सुपर ओवर में तो हारा ही नहीं। इसलिए रोहित भाई, हमने तो सब कुछ प्लान के हिसाब से ही किया था, लेकिन इस मैच में सुपर ओवर क्यों नहीं करवाया वो हमारी समझ से परे है। अरे श्रीलंका के साथ ही कुछ एक दिन पहले T20 सीरीज में भी तो सुपर ओवर हुआ था, जिसमें सूर्या भाई ने पहली ही गेंद पर चौके के साथ मैच निपटाया था। अरे रसदीप भाई, तुम्हें पता होना चाहिए ICC के नियम बदल चुके हैं, अब द्विपक्षीय वनडे सीरीज में कोई सुपर ओवर नहीं होगा, और जिसका खामियाजा तो हम इस सीरीज के पहले ही मैच में भुगत चुके हैं। अगर नियम नहीं बदलते तो भाई जो तुमसे गलती हुई थी वो तो हम सुपर ओवर में सुधार देते, लेकिन करें क्या, सुपर ओवर ही नहीं हुआ। अरे रोहित भाई क्या बताएं यार, ये मैच तो फंसने का था ही नहीं, सुपर ओवर तक तो बात ही नहीं जानी थी। अगर अपने रसदीप सिंह सिर्फ क्रीज पर ही खड़े रहते, रन चाहे ना भी बनाया होता, उस श्रीलंका के ओवर की सिर्फ 2 ही गेंद बची थी, अगर ये सरदार जी उनको जैसे तैसे करके निकाल देता, फिर अगले ओवर में मोहम्मद सिराज अपने आप ये पूरी स्थिति को संभाल लेता, मैं भी 5 रन बना के दूसरे छोर पे नबाद खड़ा था, और इन श्रीलंका वालों के साथ बिल्कुल सूझबूझ से लड़ा था, 11 गेंद खेल चुका था। वरना भाई इतनी गेंद तो हम टेस्ट मैच में ना खेलें, ये तो फिर भी वनडे था। हम तो हर मैच में बिल्कुल आर पार के मूड में आते हैं, लेकिन स्थिति को देखते हुए हमने भी सबर किया, बिल्कुल धैर्य से काम लिया, वरना रसदीप भाई तुम्हारी तरह बल्ला हमें भी चलाना आता है। लेकिन ये मोहम्मद सिराज हीरो बनने के लिए नहीं भाई, बल्कि टीम इंडिया को जितवाने के लिए क्रीज पे खड़ा था, और वो काम हमने कर भी दिया था, ये तो रसदीप की भूल ले डूबी, इसलिए हमारी दहलीज पर आई जीत हमसे दूर चली गई। वरना 14 गेंद में 1 रन की तो बात थी, खड़े रहते तो वाइड भी मिल जाती। अरे कोई ना भाई, हुआ जो हुआ, पिछली बातों पर मिट्टी डालो और आगे की तैयारी करो। माना कि इस मैच में टीम इंडिया का जीतना बिल्कुल भी नहीं था दूर, लेकिन सोच लो भाई, किस्मत को यही था मंजूर, ऊपर से बड़ी गलती कर बैठा ये रसदीप लंगूर। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, इससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है जो आगे चलकर बहुत काम आएगा। अभी भी 2 मैच बचे हैं, दोनों को जीत के सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लेंगे। वैसे रोहित भाई, तुम्हारी दिलेरी भरी पारी के हम भी कायल हो गए, जिस पिच पर बाकी बल्लेबाज गेंद को छू भी ना पा रहे थे, उसी पिच पर तुम खूब चौके छक्के लगा रहे थे, तुमने तो पावर प्ले में ही मैच को इंडिया के पाले में ला दिया था। ये तो बाकी खिलाड़ियों ने अपना फर्ज नहीं निभाया तो ये मैच हमारे हाथ नहीं आया, वरना जिस हिसाब से तुमने शुरुआत दिलाई थी, 231 रन का टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं था, और ये मैच तो यहाँ तक पहुँचना ही नहीं था, इसको तो 30-32 ओवर में ही खत्म होना था। चलो फिर भी भाई कोई बात ना, हुआ जो हुआ, आगे वाले मैचों में शिकंजा कस के रखना, और बचे हुए दोनों ही मैचों में हर हाल में जीत का स्वाद चखना।